हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद रिद्धिमन में। मेरा उद्देश्य आप लोगों को बिल्कुल सही और सटीक जानकारी देना है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी हुआ है, जहां ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पीजीटी टीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ हॉस्टल वार्डन का आ चुका है। तो पीजीटी प्रिंसिपल नॉन टीचिंग स्टाफ की 31 जुलाई लास्ट डेट है। यदि आपने अभी नहीं फिल किए हैं फॉर्म तो फिल करें, यदि आप वहाँ जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और आज जो है टीजीटी का कंप्लीट जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ हम इस वीडियो में बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है टीजीटी ऑल सब्जेक्ट का, साथ में हॉस्टल वार्डन का भी, और सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, तैयारी कैसे करनी है आपको, किन किताबों से करनी है। तो बिल्कुल सही हम बात यहाँ करने वाले हैं, क्योंकि परमानेंट नौकरी है, सरकारी नौकरी है, तो इसको कोई भी खोना नहीं चाहेगा। टीजीटी की लास्ट डेट जो है वह 18 अगस्त है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करें, लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट तक जो है हो सकता है कि सर्वर जो है वो डाउन हो जाता है और फॉर्म जो है कम्प्लीट फिल नहीं हो पाता है। तो बिल्कुल हम लोग आ गए हैं ईएमआरएस की मेन वेबसाइट पर, और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल यहाँ न्यू फ्लैश में दिखाई दे रहा है नोटिफिकेशन टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी एंड हॉस्टल वार्डन। तो सिलेबस जो है वह भी जारी हो गया है, तो चलिए फटाफट से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आपने ये चीज मिस कर दी तो आप आगे तैयारी जो है वो नहीं कर पाएंगे। मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका ओएमआर बेस्ड रहेगा, यानी पेन पेपर मोड आपका एग्जाम रहने वाला है। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में आपके पेपर आएंगे। टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे, तो एग्जाम पैटर्न में आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 120 मार्क्स के रहेंगे, और भाषा से संबंधित जो क्वेश्चन है वह आपके 30 मार्क्स के, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं, या फिर हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज, ठीक है। तो इनमें से जो है जो भी आपकी भाषा रहेगी, जो भी आपने चूज करी होगी फॉर्म में, तो उसी से संबंधित जो है वो आपके 30 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स में फेल हो जाते हैं, तो आपके ये 120 मार्क्स जो आपने किए हैं एग्जाम में, ये चेक ही नहीं होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट की बात कर रही हूँ, किस कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, 30 मार्क्स अगर हिंदी इंग्लिश आपने अगर चूज किया है, यहाँ आप फेल हो गए, तो आपका 120 मार्क्स का जो है वह भी चेक नहीं होगा, और मेरिट आपकी जो है यहीं से जो है वो बनने वाली है। टोटल आपका जो है वो 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। तो हिंदी इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। कई बच्चे सोचते हैं हिंदी इंग्लिश तो हमने पढ़ी है, हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल एंड टाइम पर ही देंगे। सारी चीजें जो है वो लेकर चलें, तभी आप जो है अपना टाइम टेबल बनाएं, तभी आप कर पाएंगे। यहाँ पर जो है 6 पार्ट हैं, सभी के लिए समान है 6 पार्ट, जिसमें पार्ट 1 जो है वो जनरल अवेयरेंस है। यहाँ पर आपसे जीके पूछी जाएगी, एजुकेशन से संबंधित करंट अफेयर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी आपके एजुकेशन से संबंधित ही पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। रीजनिंग एबिलिटी जो है, यहाँ पर रीजनिंग पूछी जाएगी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। नॉलेज ऑफ आईसीटी यानी कंप्यूटर की नॉलेज जो है वह आपसे पूछी जाएगी, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है आपसे यहाँ पूछे जाएंगे, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, ठीक है, कीबोर्ड के बारे में, शॉर्टकट की के बारे में यहाँ आपसे जानकारी ली जाएगी। तो 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मार्केट जाके जो है वो आप आईसीटी की कोई भी जो है वो बहुत ही नॉर्मल सी जो है वो सस्ती सी जो है बुक भी उठा के लेके आएंगे कंप्यूटर की, तो भी आप 10 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। उसके बाद है पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड, इसमें जो क्वेश्चन होंगे आपने जो है अभी तक जो है बीएड में किए हैं, आपने सीटेट क्लियर किया है, तो क्वेश्चन जो है यही रहने वाले हैं, थोड़ा सा लेवल जो है वह इनका ऊंचा हो जाएगा, बाकी जो है क्वेश्चन यही रहेंगे जो आपने बीएड और सीटेट में किया है। जैसे शिक्षण का अर्थ उद्देश्य है, शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण सहायक सामग्री हैं, उपचारात्मक निगमनात्मक विधियां हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 सबके लिए समान है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो। नेक्स्ट जो पार्ट 5, यहाँ थोड़ा सा अंतर आएगा, यहाँ पर ये जो है आपका टोटल 80 नंबर का है, पार्ट 5 आपका 80 नंबर का है, यहाँ पर जो है
सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डिफिकल्टी लेवल ग्रेजुएशन तक रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक चीज बता रही हूँ, आप लोग 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी की अपने सब्जेक्ट की बुक जो है वो पढ़ें, बिल्कुल हाईलाइट करके जो है वो मेन मेन चीजें जो है वो बिल्कुल याद करते चलें। यहीं से क्वेश्चन पेपर बनेगा, इससे बाहर जो है वो बिल्कुल नहीं बनेगा। आप भी याद रखेंगे कि मैम ने जो है ये चीज कही थी, ठीक है। इसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा। गाइड जो है वो किसी भी तरीके की गाइड जो है वो बिल्कुल नहीं लेके आए, एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, ठीक है। पहले के अगर नोट्स बनाए हैं आपने एनसीईआरटी बुक से बनाए हैं, क्योंकि पेपर आपका जो है ऑल इंडिया लेवल है, एनसीईआरटी से ही बनने वाला है, ठीक है। चाहे आपका साइंस हो, मैथ हो, एसएसटी हो, यहां पर जो है आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी से इसको कवर कर लेंगे। 80 जो है वो नंबर आपके सब्जेक्ट का जो है, इसमें 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट के 65 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। जैसे हिंदी सब्जेक्ट है आपका, तो हिंदी के जो है वो 65 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ है तो मैथ के 65 क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आप यहाँ पर देखिए, एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी, तो पेडागोजी जो है वो आपकी पूछी जाएगी, एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके जो है वो 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। एनईपी जो है 2020, तो नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल जो है वो एनईपी जो है वो आपके खुल के सामने आ जाएगी 2020, वहां आप जो है वो देख सकते हैं। या आपके पास पहले के नोट बीएड के भी हो और या फिर सीटेट के हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं, ये चीजें बिल्कुल समान रहती हैं। ये आपका और डी खेलो इंडिया, ये आपका जो है सी और डी, ये दोनों मिलाकर जो है कितने नंबर का आएगा, तो यह 5 नंबर का ही पूछा जाएगा। यानी कि आप ये समझिए कि एनईपी में से 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपको समझ में आई होगी कि आपका जो 5th पार्ट है वह आपका 80 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से सब्जेक्ट जो है वह आपका 65 नंबर का होगा, 10 जो नंबर हैं ये आपके पेडागोजी से संबंधित होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से संबंधित होंगे, 5 नंबर जो है वो आपके एनईपी 2020 से पूछा जाएगा। तो ये हो गया 80 मार्क्स का, बस यही जो है वो अंतर रहेगा सभी सब्जेक्ट में। नेक्स्ट जो पार्ट 6 है, जो कि सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, बाकी का पेपर आपका चेक नहीं होगा यदि आपने इसको क्लियर नहीं किया। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, 10 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में से जो भी ये लैंग्वेज के पेपर हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज, इसमें से हर सब्जेक्ट में से 10-10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विद मिनिमम 40% मार्क्स इन ईच लैंग्वेज, हर एक में आपके 40% मार्क्स आने ही चाहिए, ठीक है। 10 मार्क्स का होगा जैसे हिंदी, 10 मार्क्स का इंग्लिश होगा, 10 मार्क्स का रीजनल लैंग्वेज होगा, तो सभी में मिलाकर नहीं, हर एक में, यानी हिंदी में 40% होने चाहिए, इंग्लिश में 40%, रीजनल लैंग्वेज में 40%, सब में 40% मार्क्स आने ही चाहिए। पार्ट 1, 2, 5 ऑफ द कैंडिडेट विल नॉट बी एवेल्युएटेड, ये बिल्कुल चेक ही नहीं होगा, ठीक है। ऊपर का जो भी हमने देखा है पार्ट 5 तक, वो आपका चेक ही नहीं होगा। इफ ही एंड शी फेल टू अटेंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन पार्ट 6, अगर उसने 6 वाले पार्ट को क्वालिफाई ही नहीं किया, तो ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहां पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तब जो है वो आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ कंफ्यूजन जो है वो पहले आप दूर करें। 30 मार्क्स का जो है वो आपका लैंग्वेज का पेपर हो रहा है। मान लीजिए किसी बच्चे की जो है एक लैंग्वेज हिंदी है, दूसरी जो है वह इंग्लिश है और तीसरी जो है वह मराठी है, ठीक है। तो यहाँ 10 क्वेश्चन जो है वो उसको हिंदी के मिलेंगे, 10 इंग्लिश के मिलेंगे और 10 मराठी के। तो ऐसे ही फॉर्म में भी आप जो है वो भरेंगे अपनी रीजनल लैंग्वेज जो है वह भरेंगे, जो भी है। हो सकता है किसी की जो है हिंदी और इंग्लिश जो है उसने 2 लैंग्वेज भरी है और तीसरी लैंग्वेज उसकी हिंदी ही हो, ऐसे भी जो है वो फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। या फिर तीसरी लैंग्वेज उसकी इंग्लिश हो सकती है, तो यहाँ पर, यहाँ 10 मार्क्स उसके हिंदी के यहाँ पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स यहाँ हिंदी या इंग्लिश के यहाँ पूछे जाएंगे और 10 इंग्लिश के यहाँ पूछे जाएंगे। ऐसे करके जो है वो आप लोगों के 30 क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं, जिसमें पास होना आपके लिए बहुत जरूरी है। और ये रीजनल लैंग्वेज जो है वो आपकी ये रहेंगी, बंगाली रहेगी, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कैनेडा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु और उर्दू, ठीक है। तो ऑल इंडिया के लिए ये वैकेंसी है, तो सारी भाषाएं जो भी रीजनल लैंग्वेज है वो यहाँ पर दी गई हैं। तो तीसरी जो लैंग्वेज है वह आप लोग कोई भी चूज कर सकते हैं, तो मोस्टली बच्चे इंग्लिश या हिंदी ही जो है वह चूज करते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि पहली हमारी हिंदी है, दूसरी इंग्लिश है और तीसरी जो रीजनल लैंग्वेज है वह हम हिंदी चूज नहीं कर सकते हैं। फॉर्म में भी आप इसी तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पर जो है वो सिलेबस कंप्लीट दिया हुआ है,
सबसे पहला मैंने आपको बताया जर्नल अवेयरेंस यानी जीके आपसे पूछी जाएगी, करंट अफेयर विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र से जो विशेष चीज़ें हैं वह करंट अफेयर और जनरल नॉलेज में आपसे पूछी जाने वाली हैं 10 मार्क्स की, ये प्रत्येक स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी में क्या पूछा जाएगा, तो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है वो डाटा सफिशियंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी होंगे, ब्लड रिलेशन होगा। तो रीजनिंग में जो है वो बिल्कुल यही क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए जो है वो आप लोग कोई भी यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे, रीजनिंग आप लोगों को कंप्लीट मिल जाएगी। जनरल अवेयरेंस के लिए करंट अफेयर जो है वो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं। शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हैं वही आप लोग जो है याद करें। नॉलेज ऑफ आईसीटीज के लिए मैंने आपको बता दिया कि लूसेंट की जो छोटी सी जो बुक आती है मार्केट में वो आप लोग ला सकते हैं, उससे आपका पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पूछा जा रहा है, बेसिक पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एमएस ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं और इनके क्या यूज हैं, जैसे कि अगर मुझे कोई चीज जो है वो कट पेस्ट करनी है तो शॉर्टकट की किसका यूज करूंगी मैं, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स है एंड एब्रीविएशन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो इंटरनेट के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये 10 नंबर जो है वो आप लूसेंट की बुक लाकर जो है वो कवर कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करें वहां पर भी आप कर सकते हैं, आपको दिया होगा। नहीं तो जो है आप 9th क्लास की जो आईसीटी की एनसीईआरटी में चल रही है वह भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है केवल इन्हीं को करें, ऐसा नहीं है कि पूरी बुक जो है वो आप 9th 10th की जो है वो पढ़ने लग गए। आईसीटी जो है वह आप केवल 9th क्लास में आईसीटी की जो बुक है उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड में यहाँ पर दिया हुआ है टीचिंग नेचर, प्रकृति पूछी जा रही है, कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है, उद्देश्य पूछा जा रहा है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है पूछा जा रहा है, ठीक है। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक पूछा जा रहा है, ठीक है। अधिगम कर्ता के बारे में पूछा जा रहा है, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मैथड ऑफ टीचिंग, ठीक है, जितने भी विधियाँ हैं शिक्षण की, टीचिंग एड्स यानी कि उपकरण जो है एंड एवेल्यूशन सिस्टम, ठीक है, मूल्यांकन का जो प्रकार है पूरी प्रक्रिया जो है वह आपसे पूछी जा रही है। तो ये जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो ये आपको बीएड की जो बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। सीटेट आपने क्लियर किया ही है तो सभी के पास नोट्स पड़े होंगे, वहां से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वो एनईपी 2020, तो गूगल पर आप लोग जो है वो सर्च करें और आप लोगों को कंप्लीट जो है वो एनईपी 2020 जो है वह आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोगों ने सीटेट में तो ये टॉपिक किया ही है तो वही है ये खेलो इंडिया, फिट इंडिया एंड अदर सिमिलर प्रोग्राम फॉर पीईटी ओनली, तो जो प्राइमरी लेवल के हैं तो उनके लिए है ये पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो 5 नंबर का जो ये पूछा जाएगा वो आपका इसी में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो है वो जनरल हिंदी, जिसमें संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियां, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ऐसे ही जनरल इंग्लिश में जो है वो ग्रामर के क्वेश्चन है, वर्ब, टेंस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन। तो एनसीईआरटी की 9th और 10th की जो बुक है वह मैं आप लोगों को यहाँ सजेस्ट करूंगी, ठीक है। ग्रामर जो है वो आप लोग जितना लेवल ऊपर हो सकता है एग्जामिनर का तो वह सब जो है यहाँ पर उसके क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। 9th और 10th दोनों की जो है वो बुक से ही जो है वो आप जो भी टॉपिक दिए हुए हैं केवल वही करें, जैसे संधि दिया हुआ है तो संधि ही करें, समास दिया है तो समास ही करें, ठीक है। तो यहाँ पर और चीजें नहीं दी हैं, जैसे कारक नहीं है, संज्ञा सर्वनाम नहीं है, तो इनको नहीं करना है आपको, जो भी मेन चीजें पॉइंट दिए गए हैं वही आप करें। उसके बाद जो नीचे दिया है कंप्लीट सिलेबस आपके सब्जेक्ट का, जैसे कि टीजीटी इंग्लिश का है तो जो कि आपका 65 मार्क्स का जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो लिंक शेयर किया है तो उस पर जो है वो क्लिक करके आप लोग कंप्लीट सिलेबस जो है वो डाउनलोड करें अपने सब्जेक्ट का। ये 56 पेजेस की जो है पीडीएफ फाइल है पूरी, ठीक है। तो यहाँ जो है आप अपने सब्जेक्ट का ही जो है लें और सिलेबस को अच्छे से देखें। और बुक जो है वो मैंने आपको बता दी, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, साइंस, मैथ, ठीक है, सभी के लिए एक ही चीज कहूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी 6 से 12 तक की आप लोगों को करना है, अगर आपको वाकई में एग्जाम क्रैक करना है, मेरिट में अपना नंबर लाना है।